एवरीवन, नमस्ते फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। राखी की तैयारियाँ चल रही हैं, कल है राखी। ब्लॉग मेरा आज पहुँच जाएगा 5 बजे तक आपके पास में। तो जस्ट मैं खाना खाकर अभी फ्री हुई हूँ, तो मैंने सोचा अपनी एडिटिंग करती हूँ और आप लोगों के साथ में आज का ब्लॉग शेयर करती हूँ। तो गाइस, अभी इस टाइम पे बज रहे थे 6:30। तो आज मैं अपना थोड़ा रूटीन जो मेरा थोड़ा सा लेट चल रहा था, उससे पहले आज मैं उठी हूँ 5:30 पे। तो मैं बिल्कुल सही चल रहा है मेरा रूटीन। तो मैंने भगवान जी को नहला दिया है और नहला के वहाँ बिठाल के आ गई हूँ और यहाँ कर दी अपनी पूजा स्टार्ट। तो आप लोग देख रहे होंगे लाइन से, एक लाइन से कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं सारे पौधे। मुझे जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो मुझे इतना आनंद आ रहा है इनको देखते हुए कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। एक साइड में तुलसा जी हैं, उनके बाद में केला है, फिर उसके बाद में बेलपत्र है, भोले बाबा रखे हैं, उसके बाद में शमी आ गया है। तो आप लोगों ने कहा था कि तुलसा जी के पास में केले का पौधा रखें, तो ईश्वर की कृपा से देखो वो भी हो गया। छोटा सा केला निकला था, बड़े वो जो आप साइड में रखा हुआ केला है आप लोगों ने देखा होगा, नहीं तो अभी आगे दिख जाएगा आपको। तो उसी में से एक छोटा सा केला निकला हुआ था, वो अपने आप से हिलने लगा था। मैं थोड़ा सा केले के पौधे में जो सूखे पत्तियां थी उनको हटा रही थी, साफ करते वक्त मैंने देखा कि ये हिल रहा है। तो मैंने सोचा चलो ये छोटा सा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, तो एक गमले में यहाँ तुलसा जी के पास में रख देती हूँ। तो मैंने उसको इधर लगा दिया है, तो आप लोगों का कहना भी मैंने मान लिया कि हाँ तुलसा जी के पास में केले का पौधा होना चाहिए। तो मैंने कोने में इसलिए नहीं रखा उस साइड में, क्योंकि मेन गेट की तरफ आ जाएगा केला, तो इसलिए मैंने इधर रखा है थोड़ा। क्योंकि केले को कभी भी घर के सामने नहीं लगाते हैं, या तो घर के पीछे या बालकनी में या छत पे लगाना चाहिए। तो पर मुझे, मैं इन चीज़ों को इतना नहीं मानती हूँ क्योंकि इसमें विष्णु भगवान का वास है, तो कहीं भी रखो। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग, मेरी पूजा हो चुकी है। यहाँ पर भी सबका तिलक, चंदन और मिश्री वगैरह सबको भोग लगा दिया। अब बस आरती कर रही हूँ मैं तुलसा जी की, और सूर्य भगवान की मैंने कर दी है। आप लोग देख सकते हैं प्लेट में दीपक लगा हुआ है, धूप लगी हुई। हाँ, तो ये वाला जो प्लांट आप देख रहे हैं केले का, तो इसी में एक छोटा सा निकल आया था, तो उसको मैंने दूसरे गमले में सेट कर दिया। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जब मैं बैठती हूँ ना, एक अजीब सा ही सुकून होता है और बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी नॉर्मली जब मैं मॉर्निंग में आके अपनी बालकनी में बैठती हूँ ना, क्योंकि यहाँ पे सारे पूजा के प्लांट है, तो कहते हैं इन सारे पूजा के प्लांट में भगवान का वास होता है, तो मुझे लगता है कि साक्षात भगवान जी यहीं बैठे हुए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी ये सारे प्लांट लगाइए घर में, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो चलो अब चलती हूँ, मंदिर की पूजा करूँगी अंदर की, जो कि मुझे कम से कम 1 घंटा लगेगा यहाँ पर। तो अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ मैंने सबको फूल वगैरह चढ़ा दिए हैं, भोग भी लगा दिया है भगवान का। तो गाइस यहाँ कर रही हूँ मैं रामायण का पाठ, जो कि रामायण की सबसे आगे चौपाई आती है, 8 चौपाई, तो उनको आप लोग जरूर पाठ करा करिए। और यहाँ पढ़ रही हूँ मैं, आपको बताऊँ ये चौपाई जो कि घर में डेली पढ़ना चाहिए, और इनको पढ़ने से बहुत ज़्यादा सुख शांति आती है। तो अभी आप लोग नोट कर लो, श्री गुरुचरण सरोज राय निज मन मुकुर सुधार, वर्ण रघुवर विमल रसूल जो दायक प्रचार। मुझे ये सब बिल्कुल मुँह जवानी याद है, पर फिर भी मैं रामायण लेके बैठती हूँ, बैठना चाहिए, क्योंकि पाठ पूरा नहीं होता है जब तक आप किसी भी पुस्तक को लेकर नहीं बैठते हैं। किसी ने मुझसे पूछा था कि घर में अच्छी उन्नति के लिए हम क्या करें, तो ये लाइनें डेली पढ़ना चाहिए अपने घर में, तो आप लोग जरूर ट्राई करें। तो यहाँ पर मेरी पूजा हो चुकी है। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जो भी मेरे से उम्र में बड़े अभी देख रहे हैं, उनके लिए मैं सिर झुकाकर नमस्कार करती हूँ। जो मेरे से छोटे हैं, उनके लिए बहुत सारा प्यार। तो गाइस चलो अब मैं अपनी चाय वगैरह पी लेती हूँ। आज मैं सीधे उठी और नीचे नहीं गई थी, सीधे नहा ली थी, और पानी वगैरह आज कुछ भी नहीं लिया मैंने। तो चलो मैं पानी पीती हूँ और चाय लेती हूँ, उसके बाद ही अपने सारा रूटीन स्टार्ट करूँगी, क्योंकि गला भी मेरा सूख रहा है। हुआ क्या था ऐसा, मैंने सोचा डेली मुझे थोड़ा सा लेट हो जाता है। अभी भी टाइम 8:30 बज रहे हैं, कब है 5:30 से मैं लगी हुई थी,
ऊपर का, जैसे पूजा वगैरह क्लीन वगैरह करो, थोड़ा सा झाड़ू पोछा करो मंदिर में, तो थोड़ा टाइम हो ही जाता है। 7 बजे मैं नहाने गई थी, 6:30 पे कुछ गई थी, तो इतना टाइम तो मुझे लगता ही लगता है। कुछ लोग कहते हैं कितना टाइम लगता है, तो मुझे पूरा कंप्लीट 1 घंटा लग जाता है। आप लोगों ने देखा बाहर भी मेरे केले का पौधा है, तुलसा जी हैं, तो उनमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है। आरती करती हूँ वहाँ पे, सूर्य भगवान को जल देती हूँ, चालीसा पढ़ती हूँ। और एक मैडम है रीता शर्मा, वो मुझसे पूछती हैं चालीसा कौन सा पढ़ती हो, तो आपको जो अच्छा लगता है आप वो पढ़ सकते हैं। ये क्या लिया है? थैंक यू, पानी चाहिए था, पहले पानी पीऊँगी। प्लीज। तो ना रीता शर्मा है जो मुझसे पूछती रहती चालीसा, आपको कौन सा चालीसा। देखो जो मैं पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं कि जो मैं पढ़ूँ वो ही आपको सूट हो और वो ही आपको सही लगे। आपको जो मन करता है वो पढ़ो। पहले तो भगवान के आप चित्र रखिए, आप कौन से भगवान आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी, हनुमान जी, किसकी पूजा आप करना ज़्यादा अच्छा लगे, तो उनकी करिए, आप उनका चालीसा पढ़िए। मैं विष्णु भगवान का पढ़ती हूँ, लक्ष्मी जी का पढ़ती हूँ, बहुत सारे चालीसा पढ़ती हूँ, तो आप पढ़ सकते हैं। ये भी देखो मैंने बता दिया आपको, मेरे अंदर कोई ईगो नहीं है, पूजा पाठ करने वाले इंसान के अंदर कभी भी ईगो नहीं आता है, तो आप कर सकते हैं ये। तो चलो पतिदेव ले आए पीछे से मुझे, तब तक चाय मैं बोल रही थी, शायद सुन लिया होगा, तो उन्होंने देखा कि आज मैं पूजा में थोड़ा सा लेट हो रही हूँ, तो चलो मैं चाय पी लेती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने चाय पी ली है, अब अपना मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट करती हूँ। पूजा दीदी अभी आई नहीं है, 9 बज चुके हैं, तो फटाफट से उनके आने से पहले मैं ये सारा घर सिस्टमेटिक कर देती हूँ और चादर वगैरह झाड़ देती हूँ, बिस्तर तय करके रख देती हूँ जो भी उड़ने। और पता है मैं एक चीज़ से बहुत परेशान हो गई, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। ये अचार की बर्नी थी तो ये थोड़ी सी चटक गई थी, तो मैंने इसमें लगा लिया था मनी प्लांट। अब पता है इसको मैं हर, अभी 3 दिन पहले मैंने इसको खूब अच्छे से क्लीन करा था। आप लोग बताइए, अगर आप लोगों के पास कुछ राय हो तो मुझे दीजिए। तो मैंने इसको अचार की बर्नी खूब धो के तभी मैंने इसमें प्लांट लगाया था। अब पता नहीं क्यों हर दूसरे दिन इसके ऊपर ऐसा तेल सा निकल आता है, और जो भी अगर कचरा होता है ना, जैसे बाल उल हैं, अभी मेरा हेयर फॉल हो रहा है, तो ये देखो ऐसे चिपक जाते हैं ये बाल इस पर, तो इतना गंदा लगता है, मुझे हर दूसरे तीसरे दिन इसको धोना पड़ता है। पता नहीं कहाँ से अचार का तेल निकल आ रहा है, क्या भरा था इस बर्नी में मुझे पता नहीं। और मैंने पूरी बर्नी खूब अच्छे से साफ़ कर ली थी, और आप लोग देख रहे होंगे नेल पेंट, आज ही मैं ये नेल पेंट छुटा लूँगी, क्योंकि मुझे कमेंट आया था कि आपके ऊपर ये नेल पीले पीले से नेल पेंट अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो आज ही मैं इनको रिमूव कर दूँगी। तो ये वाला प्लांट भी मेरा खूब अच्छा ग्रोथ कर रहा है, देखो ये निकल रही है इसमें, तो देख सकते हैं एक इधर भी निकल रहा है। ये बहुत अच्छा प्लांट होता है बेडरूम में लगाना, तो आप भी इसको लगाना। ये थोड़ा सा कॉस्टली आता है, महंगा आता है, पर मैं खरीद के नहीं लाई थी, मेरी एक भाभी है उन्होंने दिया था, और अभी मैं और लाने वाली हूँ उनके घर से, क्योंकि सिर्फ एक पत्ती लगाने से ढेर हो जाते हैं। तो गाइस मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो चुका है, तो सबसे पहले पूजा दीदी आने वाली हैं, तो मैं अपना रूम थोड़ा ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि वो तो सिर्फ झाड़ू पोछा करती हूँ, इस तरीके से अगर पसारा पड़ा रहे तो उनको भी अच्छा नहीं लगता है, वो थोड़ा सा लेट हो जाती है। मुझे उनका थोड़ा सा ख्याल ये लगता है कि उनको 10 घर में जाना रहता है, तो वो बेचारी लेट ना हो बिल्कुल भी, तो इसलिए मैं पहले से ही झाड़ झकट सब कुछ करके रखती हूँ, बस कभी कभार ही लेट हो जाता है। बच्चे मेरे बहुत शैतानी करते हैं, जो चीज़ देखो, बच्चे क्या बड़े क्या सब एक जैसे ही हैं। ये भी अपनी ग्रीन टी बनाते हैं तो उसका जो रैपर है वो यहीं डाल के चले जाते हैं, तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है कभी कभार। तो ये जा रहे हैं अपनी ड्यूटी और प्रेस के लिए कपड़े लेके जा रहे हैं और बाय बोल के गए हैं, तो बस ये निकल गए हैं ड्यूटी के लिए, तो मैं अपने सारे काम अभी निपटा लेती हूँ फटाफट से। बच्चे गए हुए हैं ट्यूशन के लिए और पूजा दीदी भी आ गई हैं, उन्होंने आवाज़ लगा दी, तो इस प्लांट को मैं ले जा रही हूँ बाथरूम में, और इसको मैं अच्छे से धो के सर्फ के पानी से ही मुझे इसको धुलना पड़ता है, क्योंकि चिकना चिकना तेल जैसा आ जाता है। कुछ अगर राय हो थोड़ा बहुत सजेस्ट करना कि मैं इसका क्या करूं, एक ही होगा नहीं तो फिर दूसरे उसमें मुझे लगाना पड़ेगा। और ये पता है ये बरसात के मौसम में ऐसा हो रहा है, शायद मुझे ऐसा लगता है गर्मियों में नहीं हुआ था, या पता नहीं हुआ होगा, मुझे याद नहीं है। देखो बना रही है हमारी मम्मी जी, काय का हलवा बना रही मम्मी जी, आटे का हलवा बना रही हैं, और अभी देखना इसमें घी कितना डाला जाए। आप लोग पूछते हो ना कि आप अपनी डाइट शेयर करिए, तो ये है मेरी डाइट, अभी देखना भर भर के घी, और मैं खाती भी खूब हूँ, घी खाने से कुछ भी नहीं होता है गाइस, घी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, पर ज़्यादा नहीं। देखो मम्मी जी बताएंगे कितना खाना चाहिए, बताओ घी खा लो, कोई नुकसान थोड़ी करता है। लो इनके हिसाब से घी नुकसान नहीं करता,
हाँ, पर एक लिमिट के हिसाब से ही खाना चाहिए कोई भी चीज। अभी ये घी में भुनाया ना मम्मी जी। अच्छा, आज फिर से बोल दो मम्मी जी कि मेरी बहू के चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, सब्सक्राइब करें। चलो। तो गाइस, अभी आप लोग देखना, मम्मी जी ने आज इतनी शक्कर डाल दी थी कि पापा जी ने बहुत कम खाया और मम्मी जी को डांट भी पड़ी कि इतना मीठा बिल्कुल सीरा बना दिया था तुमने हलवा। वैसे बना तो बहुत टेस्टी था, आप लोग देख सकते हैं। घी मम्मी जी बहुत डालते हैं, दोनों जन बहुत डालते हैं, मम्मी जी पापा जी क्या, दोनों लोग बहुत घी डालते हैं। और पर मीठा बहुत कर दिया था, तो ये बना था हम, मम्मी जी और हमारी पूजा दीदी। आप लोग पूछते हो पूजा दीदी कौन है, तो वो मेरी होममेड है जो कि मेरी हेल्प कराती हैं और झाड़ू पोछा वगैरह करती हैं। मैं उनको कभी मेड नहीं बोलती हूँ ना काम वाली बोलती हूँ, मुझे इस तरीके से बोलना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं यही बोलती हूँ मेरी हाउस हेल्पर हैं, मेरी हेल्प करती हैं वो हमेशा। तो वो चली गई हैं और सबने नाश्ता कर लिया है, तो यहाँ मैंने बच्चों को दोनों को नहला दिया है और नहलाने के बाद अब मैं कर रही हूँ इनको रेडी। तो फ्रेंड्स, बच्चों को नहला धुला कर मैंने तैयार कर दिया है और ये मॉर्निंग में ही ट्यूशन चले गए थे 8 बजे, तो ये 10 बजे तक आ गए थे। अब इनको शाम को नहीं जाना है, तो मैं सोच रही हूँ कल है राखी, तो इनको आज ही इनका होमवर्क सब करवा दूँ। तो नायशा तो अभी फ़िलहाल होमवर्क करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, और फिर नायशा अभी छोटी है तो एक एक चीज़ उसको बताना पड़ता है, तो उसके साथ में बैठना ही पड़ता है। तो नायशा करेंगे अभी ड्राइंग और अनिक अपने सारे PDF के जो होमवर्क है वो करेंगे। बच्चों को मैंने बिठा दिया पढ़ने के लिए, थोड़ी देर बैठी मैं उनके साथ में कि उनको क्या करवाना है। तो अभी नायशा कर रही है कलर और अनिक के स्कूल के जो PDF आते हैं अनिक वो करेंगे। तो चलो मैं चलती हूँ नीचे, अब खाना बनाती हूँ। कपड़े भी मेरे धुल चुके हैं, तो खाने की तैयारी करती हूँ। और खाने में मैं आज बनाऊँगी चने की दाल लौकी, जो कि मैं भिगो कर आ गई थी। चावल भी मैं भिगो कर आ गई थी। 12 बज चुके हैं, तो बच्चों को पढ़ने बिठा दिया है और मैं चलती हूँ किचन में खाना। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं चावल भी भीग गए हैं और चने की दाल भी जो कि फूल चुकी है। तो आज मैं जैसे कुकर में उबाल के बनाती थी चने की दाल, वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं बना रही, आज बिल्कुल नए तरीके से बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक लौकी ली है, इसको कट कर लूँगी। और ये लौकी इतनी अच्छी थी, इतनी सॉफ्ट थी, वरना कभी कभी ऐसा होता है ना कि लौकी बहुत ख़राब मिल जाती है और बहुत कड़क सी रहती कर रही, तो ये बिल्कुल भी वैसी नहीं थी। बस हल्का हल्का सा मैंने ऊपर का छिक्कल निकाला है, जैसे हम निकालते हैं मोटा छिक्कल, वो नहीं निकाला था। तो पूरी लौकी मैंने कट कर ली है, तो बस चलो अब इसको धोकर मैं रख लेती हूँ एक तरफ और कढ़ाई चढ़ा देती हूँ। आज मैं कढ़ाई में बनाऊँगी, आपको बताऊँ, और बिल्कुल भी सीटी वगैरह नहीं लगाऊँगी, इसीलिए मैंने पहले से दाल भिगो कर रख दी थी। तो यहाँ पर मैंने कुछ खड़े मसाले रखे थे जो कि आपने अभी देखे, तो यहाँ मैंने जीरा डाल दिया है, तेज पत्ता डाल दिया है, और जो खड़ी इलायची होती है ना वो डाल दी है, और लौंग डाली है, काली मिर्च डाली है खड़ी, और 3 से 4 साबित मिर्च आती है ना वो डाली है। इनसे क्या चने की दाल का ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं, जैसे धनिया पाउडर, गरम मसाला और मिर्च पाउडर। मिर्च भी ज़रूर डालें, लाल मिर्च, क्योंकि बेसन इसकी क्या बोलते हैं चने की सब्जी में बिल्कुल भी, सॉरी कह रही हूँ, चने की दाल में बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है, फीकी फीकी। तो मैंने सोचा हमेशा वैसे बनाती हूँ मैं कुकर में, इस बार मैं ऐसे बना रही हूँ। मेरी थोड़ी सी ना मुझे हल्की सी, अभी शाम के 4 बज रहे हैं जो कि मैं एडिटिंग कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ क्योंकि मॉर्निंग से उठी हूँ और आज बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिला है। अभी वापस से मेरा रूटीन स्टार्ट हो जाएगा शाम का। तो प्लीज़ गाइज, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए। तो प्लीज़ आप मुझे आगे बढ़ाएंगे ना, ईश्वर आपको ऑटोमेटिक आगे बढ़ाएंगे। दूसरे की हेल्प करके तो देखिए आप लोग अपने आप आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने दाल में पानी डाल दिया है, चावल भी मैंने एक तरफ चढ़ा दिए हैं,
तो दाल चावल दोनों बन चुके हैं। तो यहाँ पर मेरी दाल भी अभी बनी नहीं है, सिंपल है, पूरी बन चुकी है, बस थोड़ा सा बाकी है। तो यहाँ पर रोटियाँ भी मैं फटाफट से बना लेती हूँ। 1 बज चुका है, 12 बजे मैं लगी थी, और मैं धीरे धीरे से उस टाइम पे मैं मेरी एडिटिंग भी करती जा रही थी, जो मैंने वीडियो अभी डाली है, हाउसवाइफ टिप्स दिए थे जिसमें मैंने, तो वो अगर आप अभी तक आपने नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर मेरे चैनल पर देखें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो कल के ब्लॉग में मिलना, रक्षाबंधन ब्लॉग।